अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और बस आज फ्राइडे और मैं फिलहाल अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक वाइफ की तबीयत सेटल नहीं हो जाती तब तक जो है मैं ऑफिस नहीं जा रहा। तो बस अभी जो है थोड़ी देर में जाना है साउथ सिटी, क्योंकि डॉक्टर ने बुलाया था, आज फॉलो अप है और उनको दिखाना है। अगर हो सकता है मे बी कि आज ही बैंडेज रिमूव हो जाए तो बस यही दुआ है। लेकिन सबसे जो डराने वाली बात यह है कि जो बैंडेज जब रिमूव होती है ना, तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत ही पेनफुल है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि सब काम खैर खैरियत से हो जाए। तो बस थोड़ी देर में वहाँ जाएंगे और फिर मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो हम लोग अब जा रहे हैं हॉस्पिटल। आज मेरा फॉलो विजिट है जैसे कि इन्होंने बताया था। तो बस हम लोग थोड़ा सा टाइम से पहले ही पहुँच रहे हैं, बैंडेज भी निकल जाए और ख्याल है कि तो सारा हो जाए। हाँ, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ओके, देयर इज स्ट्रेट यू। वो हो गया है लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ। अभी 5 दिन बाद वापस बुलाया तो, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था, देखा नहीं गया मुझसे। तो बस फाइनली अभी हॉस्पिटल से निकल गए और अभी बस रेड एप्पल पाया हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी। तो फिर अभी बस कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो घर के लिए निकलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा फील कर रखे हैं आप अभी ये आपके जो प्रोसेस हुआ है? बस कुछ नहीं, पेन हो रहा है। उस वक्त बहुत ज्यादा पेन हुआ था जब उन्होंने बैंडेज तो इतनी जोर से। वाकई में मैं तो जब मैं देख रहा था तो मेरी खुद की हालत ऐसी हो रही थी। तो हाँ, आपको वाकई में क्या पेन हो रहा होगा, मतलब मुझसे देखा नहीं जा रहा था। सीधी बात यह है कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। दो पाइप्स लगे हुए थे ना नोज में, और ऐसा लग रहा था जैसे गाय के वो नॉस्ट्रिल में डाल देते ना, यूं करके ऐसे जोर से खींच रहे थे वो। और अभी मोटी रुई लगा दी हुई नोज में। बस भाई मैं तो वाकई में मैं अगर उस जगह होता तो शायद मैं तो कभी भी नहीं कर सकता था ये। बस अब कल इंशाल्लाह निकल जाएगी। हाँ, लेकिन अभी फिर भी अभी पूरा प्रोसेस होने में 5 डेज और लगेंगे। उसके बाद जाके जो है वो जो भी क्या लगे हुए स्प्लिंट लगे हुए हैं तो वो जो है 5 डेज बाद निकलेंगे। तो बस अब तक यही अपडेट थी। तो अभी बस खाना आ गया है और अभी खाना खाएंगे। बस ATM जा रहा हूँ पैसा निकालने, क्योंकि और बस फिर ATM जाके वापस जल्दी से खा रहा हूँ। तो भैया बस अभी आए हैं ATM और ATM से पैसे निकालने। ये खुशी ही अलग होती है पैसे निकलने की। तो भाई कोकोमो वालों ने भी हमारे साथ मजाक शुरू कर दिए, ये देखें प्रैंक हो गया हमारे साथ। ये देखो ये अब सिर्फ ये निकल रहा है, देख रहे हैं क्या हो रही है इसकी, ये निकल रहा है अब हमारे साथ, ये प्रैंक है। कितने पीस है? 3 भी नहीं है पूरे। तीन है और बस ये 3 का ही शायद ये। अच्छा, इनकी क्वालिटी मतलब बहुत लो कर दी है उन्होंने। पहले तो मतलब बिस्किट्स भी इसके जो कवरिंग होती थी वो भी अच्छी होती थी। तो भाई कोकोमो और मुझे भी दो। मुझे नहीं दो, खुद ही खा ले आप। ये मुझे मत दीजिएगा, ये आप ही खाएं। तो बस अब ये मेरा नेटफ्लिक्स टाइम है और इसी के साथ अब ब्लॉग को खत्म करते हैं। और नेटफ्लिक्स की सबसे अच्छी चीज जो लगती है वो इसका ये साउंड लगता है। अरे लो, वो तो लोडिंग भी चला गया। ये इसकी बात ही अलग है। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को खत्म करते हैं। प्लीज इस ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।